हे दोस्तों, अगर तुम बैटर चेस गेम के प्लेयर हो तो ये बता, तुम लोग हमेशा परेशान करती होगी कि सीजन 3 में तुम लोग का ट्रॉफी इंक्रीज जल्दी जल्दी क्यों नहीं हो रहा। भैया 10-10 ट्रॉफी इंक्रीज हो रहा है, मेरे को ऐसा टेक्निक कोई बता दो जिसकी हेल्प से मेरा ट्रॉफी है एकदम जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट इंक्रीज हो जाए। तो आज मैं तुम लोगों के लिए ये वीडियो में लेकर के आके एक ऐसा टेक्निक जो कि तुम लोगों को कोई नहीं बताएगा। अगर तुम लोग अपना कंप्लीट टाइम इस वीडियो को दे दो तो तुम लोगों को मैं सिखा दूंगा कि कैसे तुम लोग जल्दी जल्दी ट्रॉफी को इंक्रीज कर पाओगे बैटल स्टार्स गेम में। और वो भी नहीं, तुम लोगों को बताऊंगा ही नहीं, मैं तुम लोगों को लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा भाई, लाइव प्रूफ। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट एक इंट्रो की। So guys, यहाँ पे तुम लोग देखो कि हम लोग हर एक मैच जीत रहे हैं, देखो है ना, यहाँ पे ट्रॉफी इंक्रीज हो रहा है, +10 हो गया। जी हाँ, बिल्कुल कम हो गया, लेकिन यहाँ पे मैं तुमको सिखाऊंगा कैसे तुम लोग जल्दी जल्दी ट्रॉफी को इंक्रीज कर पाओगे। मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा कि कम टाइम में कितने जल्दी जल्दी तुम लोग ट्रॉफी को इंक्रीज कर सकते हो, है ना। यहाँ पे तुम लोग देखो कितने लंबा लंबा सब लोग कितना ज्यादा ज्यादा ट्रॉफी को इंक्रीज कर लिया है। यहाँ डिस्प्ले पे देखो कितने कितने लोग ट्रॉफी को इंक्रीज कर लिए। अगर तुम लोग को भी ट्रॉफी को इंक्रीज करना है ना तो कंप्लीट ये वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखो। इसमें मैं लोगों को दो ऐसा तुम लोग को टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कि हेल्प से तुम लोग जल्दी जल्दी ट्रॉफी को इंक्रीज कर लोगे और टॉप 100 में आ जाओगे अगर नहीं हो तो, या फिर टॉप 100 में हो तो उस पर तुम लोग अप्लाई कर लोगे। जो स्टेप्स बताऊंगा उसको तुम लोग अच्छे से फॉलो कर लोगे तो देख पा रहे हो ना बहुत ही कम समय में कितना जल्दी जल्दी यहाँ पे ट्रॉफी इंक्रीज कर पा रहा है। डिस्प्ले पे देखो, जा रहा हूँ मैच खेल रहा हूँ और ट्रॉफी यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं 10-10 कितने सेकंड्स में, एक मिनट में ट्रॉफी इंक्रीज हो जा रहे हैं, है ना। एकदम लीगल तरीका, एकदम सेफ है, बिल्कुल मस्त है। अगर फॉलो कर लोगे तो सीख जाओगे कैसे ट्रॉफी को इंक्रीज किया जाता है। हाँ, एक बात ध्यान देना, जो बातें कह रहा हूँ ना अच्छे से सुन लेना, क्योंकि जो लोग अच्छे से सुनेंगे ना इस वीडियो वही लोग गाइस जल्दी जल्दी ट्रॉफी को इंक्रीज कर पाएंगे। सच बता रहा हूँ, जो लोग अच्छे से सुनेंगे वही लोग करेंगे। तो देखो अब मैं तुम लोग को टेक्निक्स बताऊंगा, बट उससे पहले जो लोग चैनल पे नहीं हो तो भाई एक छोटी सी हेल्प कर दो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो। ये वीडियो को लाइक टारगेट है 169, तो आई होप कंप्लीट करवा दोगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर तुम लोग कंटेंट क्रिएटर बूस्ट में जाकर अपने भाई के कोड को टाइप नहीं किए हो PB10, तो जाकर के जल्दी से कंटेंट क्रिएटर बूस्ट में PB10 कोड को टाइप जल्दी कर दो, अपने भाई को सपोर्ट करो। तुम लोग डिस्प्ले पे देखो कि मैं बहुत ही कम सेकंड्स में बहुत ही अच्छा मैच खेल रहा हूं और बिल्कुल मस्त खेल रहा हूं, हार भी नहीं रहा हूं और सारा का सारा मैच जीत रहा हूं और मेरे ट्रॉफी इंक्रीज कर पा रहे। जो भी लोग टॉप 100 में है, टॉप 10 में जाना चाहते हैं, टॉप 5 में आना चाहते हैं, तो मैं लाइव प्रूफ तुम लोग का खुद एग्जांपल हूं। तुम लोग डिस्प्ले पे देखो कुछ स्क्रीनशॉट में कितना दिन पहले कहां पे था, अभी मैं टॉप 3 में आ गया हूं यार। ट्रॉफी को इंक्रीज करके ही तो मैं टॉप 3 में आया हूं ना, तो जैसे ही मैं अब देखो मैं ट्रॉफी को और जल्दी जल्दी इंक्रीज भी कर रहा हूं, जिसकी हेल्प से मैं ट्रॉफीज इंक्रीज करके देखो मैं 2 पे आ जाऊंगा, मैं फिर फर्स्ट पे आ जाऊंगा। कैसे मैं कर रहा हूं, कैसे मैं ट्रॉफी को इंक्रीज कर रहा हूं, यही मैं तुम लोग से अभी डिस्कस करने वाला हूं, यही मैं तुम लोग को टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। और हां, उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा काम आएगी जो भी लोग टॉप 100 में पुश कर रहे हैं, अपने ट्रॉफी को जल्दी जल्दी इंक्रीज करना चाहते हैं। जो भी लोग टॉप 100 के बाहर भी अगर वो लोग इस टेक्निक को फॉलो करेंगे ना, तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम लोग टॉप 100 में आ जाओगे। अगर टॉप 100 में हो, टॉप आना चाहते हो, उसके ऊपर भी आना चाहते हो, अपना रैंकिंग को बढ़ाना चाहते हो, नंबरिंग रैंकिंग को बढ़ाना चाहते हो ना, ये टेक्निक तुम लोग के लिए काफी हेल्प करेंगे तुम लोग को रैंक पुश करने में और ट्रॉफी को इंक्रीज करने में, राइट। देखो यहाँ पे 10-10 का मैं कर करके कितने ज्यादा मैचेस खेल लिया और कितना जल्दी मैं यहाँ पे ट्रॉफी को इंक्रीज करके रैंक नंबर 3 पे आ गया। तुम लोग चाहते हो, तुम लोग मेरे को कमेंट भी कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ तुम लोग मेरे को कमेंट भी कर रहे हो कि भाई मैं आपको फिर से टॉप 1 पे देखना चाहता हूँ, तो भाई मैं तुम लोगों के लिए टॉप 1 पे मैं फिर से आ रहा हूँ, है ना, राइट। मैं ट्रॉफी को इंक्रीज कर रहा हूँ टॉप 1 पे आने के लिए, मैं मैचेस को बढ़ा रहा हूँ, मैं मैचेस को खेल रहा हूँ। तुम लोग के कमेंट बेस्ड पे गए, अगर तुम अपने भाई को देखना चाहते हो टॉप 1 पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखो हम लोग 80,000 सब्सक्राइबर के बहुत ही करीब है, तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कर देना। देखो मैं ये जो तुम लोग इतना डिस्प्ले पे दिखा रहा हूँ ना कि मैं ट्रॉफी को इंक्रीज कर रहा हूँ क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग भी ट्रॉफी को इंक्रीज करना चाहते हो, राइट। तो चलो अब मैं तुम लोग को दिखाता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे अपना स्क्वाड बनाया, स्क्वाड में चारों के चारों मेंबर रैंको बन गए। और हाँ, अभी जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, अगर तुम लोग ट्रॉफी को इंक्रीज करना चाहते हो ना, तो अपने स्क्वाड को मतलब अपने दोस्त लोगों को कहना कि 2 बंदे रैंको को ले लो और 2 बंदे फ्यूचर टेक्नो कैरेक्टर को ले लो, इससे तुम लोग का जल्दी मैच खत्म होगा और जल्दी मैच खत्म होगा, जल्दी बुया करोगे, जल्दी विक्ट्री करोगे, तो तुमको ट्रॉफी जल्दी जल्दी मिलेंगे, राइट। तो जल्दी मैच खत्म करना होगा, मैच खत्म करने के लिए 2 कैरेक्टर रैंको, अभी सबसे बढ़िया रैंको और सबसे बढ़िया फ्यूचर टेक्नो कैरेक्टर चल रहा है गेम में, जिसकी हेल्प से तुम काफी इनिमी को जल्दी जल्दी खत्म करोगे और 2 मिनट के से पहले भी मैच को खत्म करोगे, यानी कि
1 मिनट 20 सेकंड में मैच तुम लोग खत्म कर दोगे। तो इस टेक्निक को अच्छे से फॉलो करना। देखो ऊपर टाइमिंग चल रहा है ना, 1 मिनट 40 सेकंड हुए और 110-20 का स्कोर है। बस एक बंदा को मारेंगे और गेम खत्म हो जाएगा। देखो एक बंदा को मारे और गेम खत्म। यहाँ तो 4 के 4 रैंगो थे, बट यहाँ पे अगर 2 टेक्नो भी रहते तो काफी जल्दी मैच खत्म हो जाता। देखो ट्रॉफी इंक्रीज हो गया बस 1 मिनट में। अभी इससे कुछ नहीं हुआ। देखो सेकंड वाला तो सुन के ही जाना और सबसे लास्ट वाला तो एकदम भयानक है, उसको सुन के ही जाना। यहाँ पे तुम देखो सेकंड मैच को स्टार्ट करते हैं, राइट। देखो यहाँ पे मैं सेकंड मैच को स्टार्ट किया, रैंगो ही लिया हुआ क्योंकि मैं ज्यादा फ्यूचर टेक्नो से खेल रहा था। बट मेरे कुछ सब्सक्राइबर लोग जो डिस्प्ले पे देख पा रहे हो, तुम लोगों को भी मेरे साथ खेलना है ना तो कमेंट कर देना। मैं अभी रैंक पुश कर रहा हूँ, थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, इसलिए मैं तुम लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेज पा रहा हूँ, तो उसके लिए मेरे को माफ कर देना। बट हाँ, मैं तुम लोग के साथ गेम प्ले वगैरह कर सकता हूँ, तो अपनी UID वगैरह नाम जरूर लिख देना। UID नहीं, अपना नाम, दोनों अपना नाम लिख देना कि तुम्हारा गेम में क्या नाम है, ताकि मैं तुम लोग के साथ खेलूँ तो मेरे को पता चल जाए कि हाँ ये मेरे सब्सक्राइबर है। यहाँ पे तुम लोग चेक कर सकते हो, जो जो लोग मेरे साथ खेल रहे कहीं वो देख रहे होंगे वीडियो, तो प्लीज कमेंट कर देना, अच्छा लगता है। और PB लगा लोगे तो एकदम बढ़िया लगेगा। यहाँ पे देखो फिर से हम लोग अपना एक रैंगो का स्क्वाड बना लिए। पता नहीं ये लोग मेरे साथ ही खेल रहे, बोल देते भाई रैंगो ले लीजिए और वीडियो मेरे को जरूर लीजिएगा। तो हम लोग यहाँ पे रैंगो लेकर के रैंक पुश वगैरह कर रहे हैं। भाई मेरे को तो अभी रैंक पुश ट्रॉफी इंक्रीज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तभी मैं टॉप 1 पे आ पाऊंगा दोस्त, राइट। यहाँ पे देखो 2 मिनट 5 सेकंड बचे और मेरा रिमेनिंग स्कोर चल रहा है 40-0 का। देखे रैंगो का स्क्वाड है एकदम मस्त तरीके से मार रहा है, एकदम जल्दी जल्दी मार रहा है। ट्रॉफी इंक्रीज करने का सबसे पहला पॉइंट, जितना जल्दी मैच खत्म कर सको उतना जल्दी अपने गेम का मैच खत्म करो। नंबर 2 पॉइंट, कैरेक्टर रैंगो और फ्यूचर टेक्नो कैरेक्टर से काफी जल्दी मैच खत्म होते हैं, तो उसको तुम लेकर के रखो। देखो टाइम भी अभी मैं बोला 30 सेकंड्स हुआ होगा, भाई लोग मैच स्टार्ट हुआ 30-40 सेकंड हुआ होगा और 40 सेकंड में हम लोगों ने यहाँ पे 10 ट्रॉफी को इंक्रीज कर लिया। देखे फटाफट एकदम सेफ तरीका, एकदम मस्त तरीका जीतना है ना। और देखो सबसे लास्ट में जो पॉइंट बताऊंगा ना, वो एकदम रामबान है भाई, वो एकदम जबरदस्त पॉइंट है, कोई नहीं पता का। अभी मैं तुमको बताऊंगा ना, तुम लोग ध्यान से अगर करोगे तो तुम लोग का ट्रॉफी एकदम जल्दी जल्दी इंक्रीज कर, राइट। अब देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे एक और मैच को स्टार्ट करता हूँ, लाइव प्रूफ तुम लोग देखना। क्या तुम लोग को मैंने स्टार्टिंग में कहा था दोस्तों कि मैं तुम लोग को लाइव प्रूफ दिखाऊंगा गाइस, है ना, कि जल्दी जल्दी कैसे ट्रॉफी को इंक्रीज किया जाता है। अगर तुम लोग को ये टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं पता थी ना, तो तुम लोग मेरे को ओपिनियन दे सकते हो कमेंट में, या फिर तुम लोग को इससे अच्छा टिप्स एंड ट्रिक्स पता है तो तुम लोग मेरे को कमेंट करो। बट हाँ, मैं तुम लोग को दावा करता हूँ कि लास्ट वाला जो मैं बताऊंगा ना, वो एक ऐसा टेक्निक है जो तुम लोग कोई नहीं बताएगा, और उसकी हेल्प से तुम लोग, सच बोल रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी अपने ट्रॉफी को इंक्रीज कर लोगे। टॉप 100 के बाहर हो तो टॉप 100 में आ जाओगे, या फिर टॉप 100 में हो, टॉप 50 में हो तो टॉप 10 में आ जाओगे, अगर अच्छे से स्टेप बाय स्टेप को फॉलो कर लेते हो। यहाँ पे देखो बात करते करते अभी 2 मिनट भी खत्म नहीं हुए गेम का और हम लोगों ने 80 बंदों को मार करके अपने के अपने 90% मैच को अपने हाथ में कर लिया, राइट। यहाँ पे देखो खत्म, अब बस एक बंदा को मारेंगे और ये मैच खत्म। देखिए 40 सेकंड भी नहीं लगा दोस्तों, एंड हम लोगों ने यहाँ पे मैच को जीत लिया, मैच पे कब्जा कर लिया, अपने हाथ में मैच को ले लिया। देखिए चारों को चारों रैंगो स्कोर बना करके, अगर यहाँ पे फ्यूचर टेक्नो भी होता ना तो हम लोग काफी जल्दी मैच को जीत लेते। ये होती है एक अच्छी स्ट्रेटजी एंड टेक्निक। बट अगर यहीं पे तुम लोग डॉगी कैरेक्टर को, या फिर तुम लोग पापी को लिए रहते, या फिर तुम लोग वही पुतनी सा कैरेक्टर को लिए रहते, सेरी वगैरह को, तो भाई तुम लोग का कभी ट्रॉफी इंक्रीज लेट से होगा, मैच भी हारोगे, टाइम भी वेस्ट होगा और जीतोगे भी नहीं। बट बाय द वे पापी का गेम प्ले और यहाँ पे डॉगी का गेम प्ले और स्क्वाड भी, स्क्वाड हम लोगों ने किया था पापी वर्सेस डॉगी का, तो तुम लोग जाकर के वो गेम प्ले वीडियो को आसानी से देख सकते हो, उससे कुछ सीख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। देखो यहाँ पे टॉपिक पे वापस आते हैं, ये मैच 14 मैच है ना, यहाँ पे हम लोग फिर से रैंगो और फ्यूचर टेक्नो कैरेक्टर एक है। देखना यहाँ पे अब तक हमने 20 का स्कोर कर लिया और अपोनेंट का 0 स्कोर है। अपोनेंट के पास लॉर्ड मस्क है जो कि सही है, बट हाँ अभी हम लोग के पास जब फ्यूचर टेक्नो है और रैंगो है तो लॉर्ड मस्क भी यहाँ पे कुछ काम वगैरह नहीं करेगा, क्योंकि अभी रैंगो इतना खतरनाक चल रहा है, इतना खतरनाक चल रहा है कि अगर क्लाउड स्ट्राइक रैंगो के पास रहेगा तो वह एक बार में 2-3 बंदों को मार देगा। अब तुम लोग यहाँ पे एक चीज गौर कर रहे होगे कि सारे के सारे प्लेयर यहाँ पे ऑफलाइन है ना। अभी मैं इसके बारे में वीडियो में आगे बताऊंगा कि कैसे तुम लोग ऐसे लॉबी को बना सकते हो जो कि तुम लोग काफी जल्दी ट्रॉफी को इंक्रीज कर सकते हो। देखे यही टेक्निक मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग में नहीं बताई थी, जबकि मैंने तुम लोग को चुपके से कहा था कि वीडियो को अच्छे से देखना और जो कह रहा हूँ ना एकदम ध्यान से सुनना, तभी तुम लोगों का एकदम अच्छे से सेफ तरीके से लीगल तरीके से तुम लोग ट्रॉफी को इंक्रीज कर पाओगे। देखे यहाँ पे फिर बढ़ गया मेरा ट्रॉफी, कितना कम समय में, अभी ये पूरा वीडियो भी खत्म नहीं हुआ होगा और मैंने 70-80 ट्रॉफी इंक्रीज कर लिया होगा। देखो यहाँ पे जो लोग मेरे साथ खेल रहे हैं, तुम लोग भी खेलना चाहते हो तो अपना मेंशन कर देना नाम वगैरह, खेल लेंगे हम लोग भी तुम लोग के साथ। एंड गाइस बढ़ते हैं ये मैच में। देखो ये मैच में कुछ अलग मैंने किया है, ये मैच तुम लोग देखोगे तो तुमको समझ में आएगा कैसे ट्रॉफी को और अच्छे तरीके से इंक्रीज किया जाए। देखो
जब तुम लोग भी मैच को स्टार्ट करो तो डायरेक्ट तुम लोग रस पे मत जाना। अब दो प्लेयर को बोलना कि मेरा भाई एक बंदा मेरे साथ यहाँ पे ऐसे चलना, ठीक है, यहाँ पे देखो दो मेरे साथ चल रहे और दो पीछे से आ रहे हैं, है ना। पावर अप्स को हमेशा यूज करना, पावर अप चाहे नेड हो या फिर तुम लोग का मेडिकिट वगैरह हो। जब तुम लोग पहले पावर अप को यूज करोगे ही नहीं तो दूसरा पावर अप में तुम लोग को शील्ड कैसे मिलेगा। देखो मैं पावर अप को इसलिए लिया क्योंकि दूसरी बार ही मेरे को शील्ड वगैरह मिल जाए। देखो शील्ड है ना, देखो शील्ड ले लिया तो फिर नेट आएगा, नेट है तो नेट को ले लूंगा, तो अगली बारी में शील्ड आएगा। तुम लोग क्या करते हो कि मेरे को नेट नहीं आता यूज करने, तो तुम लोग नेट को नहीं लेते हो। वहाँ पे मेडिक रहता है तो तुम लोग मेडिक को नहीं लेते हो। जब तुम लोग मेडिक को लोगे ही नहीं तो वो कैसे हटेगा। और देखो बिल्कुल कम टाइम, अभी दो मिनट भी खत्म होने में 10 सेकंड रह गया था, 10 सेकंड हो गया और यहाँ पे देखो मैच खत्म। दो बंदा को मारूंगा और मैच खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस टेक्निक को यूज करना ताकि तुम लोग का ट्रॉफी जल्दी से इंक्रीज करे, है ना। पावर अप को हमेशा यूज करना, चाहे वो नेड हो मेडिकिट वगैरह हो, जल्दी जल्दी यूज करना। अब देखो ऐसा टेक्निक बताऊंगा जो कि एकदम हेल्प करेगी और भी अच्छे से ट्रॉफी इंक्रीज करने। जैसे ही तुम लोग का मैच खत्म हो जाए तुरंत, तो तुरंत तुम लोग को लॉबी बनाना है, तुरंत, है ना, तुरंत लॉबी बनाओ। देखो ये सब लोग लिख रहे वेट वेट, बट तुम लोग वेट मत करो, तुरंत लॉबी बनाओ, तुरंत अपने स्क्वाड को घुसाओ, तुरंत मैच को स्टार्ट करो। लेट करोगे तो जितना जल्दी तुम लोग का पहला मैच खत्म हुआ है, लेट कर दोगे ना तो पहला मैच जितना जल्दी खत्म हुआ है दूसरा मैच उतना जल्दी खत्म नहीं होगा। तो ये टेक्निक को फॉलो करना, पहला मैच देखना कि काफी जल्दी खत्म हो गया, दूसरा मैच अपने स्क्वाड के साथ तुरंत स्टार्ट कर देना। उन लोग को बोलना जल्दी घुसने के लिए, है ना, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, कहीं मैसेज करो, लेकिन पहले स्ट्रेटेजी बना लेना कि दोस्तों जल्दी खत्म करना। देखो ये मैच कितना जल्दी खत्म हुआ, टाइम ही लगा, मैंने तुमको सिखाया कैसे करना है, बस खत्म। अब देखो नेक्स्ट मैच में चलते हैं, नेक्स्ट मैच में तुमको अब कौन सी गलती नहीं करनी है। जब तुमको ट्रॉफी इंक्रीज करना है ना तो ध्यान रखना कि दोस्तों जब तुम लोग लॉबी बना रहे हो तो लॉबी में देखना कि तुम्हारा जो अपोनेंट आ रहा है वो हार्ड आ रहा है या फिर कम आ रहा है। जैसे ही हार्ड आएगा तो बैक कर देना, यार क्या दिक्कत है, 2 सेकंड लगता है फिर से नया लॉबी बनाने में, है ना। जैसे ही देखना हार्ड लॉबी आ रहा है कि तुमको लग रहा है कि ये मैच हम लोग हार जाएंगे, ये लॉबी खराब है, तो बैक मार देना, फिर से एक न्यू लॉबी बना लेना। तो ऐसे करना तो तुम लोग का जो नेक्स्ट लॉबी होगा वो आसान लॉबी आएगा, और आसान लॉबी आएगा जल्दी मैच खत्म होगा तो जल्दी से तुम लोग का ट्रॉफी इंक्रीज होंगे। एज तक डिस्प्ले पे तुम लोग देखो 1 मिनट 50 सेकंड्स हुए और 80 बंदों को मार दिए, एंड यहाँ पे बस एक बंदा को मारेंगे और ये मैच खत्म। देख लो ना 30 और 40 सेकंड के अंदर हम लोग मैच जीत रहे हैं। अब तक मैंने कितने ज़्यादा ट्रॉफी बढ़ा ली है वीडियो के अंदर, तो मैंने तुम लोग को बता दिया है कि तुम लोग को कैसे ट्रॉफी इंक्रीज करना है। अब देखो अभी मैंने लास्ट टेक्निक नहीं बताई है जिसकी हेल्प से तुम काफ़ी जल्दी ट्रॉफी को इंक्रीज कर लोगे, बट वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो। अब देखो ये सबसे लंबा मैच जो कि तुम लोग गलती करते हो, मैं एक लंबा मैच भी तुम लोग को खेल करके दिखाऊंगा। देखो लॉबी मैंने चेक कर लिया, लॉबी हार्ड आया था थोड़ा सा, उसमें भी रैंगो था और उसमें किलशॉट था जो कि लॉन्ग डिस्टेंस फाइट लेता है। देखो तो तुम लोग को अभी मैंने समझाया था कि अंडरस्टैंडिंग लॉबी, तुमको लॉबी को समझना हो कि लॉबी तुम लोग का हार्ड आएगा या फिर तुम लोग का लॉबी कम आएगा। देखो ये लॉबी थोड़ा सा हार्ड आ गया, तो ऐसे ही तुम लोग अगर लेट करना चाहते हो मैच में तो हार्ड लॉबी आ जाएगा, तो तुम्हारा पूरा का पूरा टाइम चला जाएगा, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। देख रहे हो ना इतना एकदम हार्ड लॉबी, ऐसे ही तुम लोग का टाइम वेस्ट हो जाएगा हार्ड लॉबी में, ठीक है। तो इसको तुमको समझना होगा, तो कैसे होगा तुमको मैंने बताया। समझने के लिए तुम जो मैच को स्टार्ट करोगे तुमको पता चलेगा कैसा लॉबी आ रहा है। अच्छे प्लेयर होंगे तो बैक कर देना, अगर तुम लोग खेलना चाहते हो फाइट लेना चाहते हो तो ले लेना, लेकिन जल्दी करना। जितना जल्दी मैच खत्म करोगे उतना जल्दी लॉबी बढ़ जाएगा, मैच लंबा चलेगा, लंबा मैच चलेगा तो तुम लोग का ट्रॉफी इंक्रीज करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाएगा। देख रहे 1 मिनट 22 सेकंड हो गया और यहाँ पे पूरा का पूरा लंबा मैच चल रहा है। मेरा स्कोर है 130 का, अपोनेंट का स्कोर है 90 का। देखिए पहले क्या हो रहा था, 120 110 में मैच खत्म हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पे लंबा मैच चला तो लंबा मैच यहाँ पे 150, 100, 180, 200 तक जाएगा और पूरा का पूरा टाइम भी लग जाएगा, पूरा 2.5 मिनट लग जाएगा यहाँ पे। देखिए लाइव प्रूफ लंबा मैच तुम लोग का यहाँ पे 2.5 मिनट चल गया और अभी तक गेम खत्म भी नहीं हुआ। स्कोर है 170 का और अपोनेंट का स्कोर है 140 का। देखिए तो ये गलती तुम लोग को नहीं करनी है। तुम लोग को कौन सी गलती नहीं करनी है मैंने तुमको ये भी बताया, तुमको कौन से अच्छे करने वो तुमको मैंने ये बताया। बट अब चलते अपने वीडियो के सबसे लास्ट स्टेज पे, यहाँ पे तुम लोग को अब प्राइम मेंबर, प्राइम मेंबर में अब तुमको बताऊंगा टिप्स टू इंक्रीज ट्रॉफीज। सबसे पहला पॉइंट, यहाँ पे तुम लोग सुबह के समय खेलो। देखो 5:23 हो रहे हैं, लॉबी एकदम आसान चाहिए ना तुमको, एकदम आसान लॉबी चाहिए ना। 5:23 सुबह में खेलो ताकि तुम लोग का देखो एकदम आसान लॉबी आ जाए। देखिए देखो लाइव प्रूफ मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था तुम लोग के लिए, 5:23 हो रहे और आज ही 4 तारीख। देखिए दोस्तों लाइव प्रूफ यहाँ पे मैंने तुम लोग को दिखाया कैसे आसान लॉबी आएगा 5:23 पे। दूसरा टाइम है रात के 3 बजे, लेकिन हम लोग जानते हैं कि हम लोग 3 बजे नहीं खेल, मैं खेल लेता हूँ बट तुम लोग नहीं खेल पाते हो, तो मैंने तुम लोग को सुबह का टाइम बता दिया। देखिए अभी मैंने तुमको दिखाया था कितना अच्छा अच्छा लॉबी आता है जिसमें तुम लोग काफी जल्दी ट्रॉफी को इंक्रीज कर पाओगे। लाइव प्रूफ के तौर पर मैंने ऊपर से एक रिकॉर्डिंग कर लिया था जो कि मैं तुमको दिखाता हूँ। देखिए ट्रॉफी इंक्रीज, देखो 4:03:47, देखिए 3:47 सुबह के, यानी कि तुम लोग 3 बजे से 4 बजे के बीच में भी अच्छे लॉबी को ला करके ट्रॉफी इंक्रीज काफ़ी जल्दी बढ़ा सकते हो। एंड दूसरा मैंने तुमको बताया 5। अब देखो एक और तरीका है मोड्स, मोड्स पे डिपेंड करते हैं तुम लोग के ट्रॉफीज़।
देखो दो मोड निकल करके आ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला मोड तुम लोग का एक टीडीएम रंबल, दूसरा तुम लोग का दिल्ली रंबल। दो मोड से यही जो तुम लोग डिस्प्ले पे देख पा रहे हो ना, यही अगर मोड खेलोगे तो इस मोड में काफ़ी जल्दी 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 तुम लोग के ट्रॉफी इंक्रीज होंगे। बट हाँ, देखना कि अगर पहला मोड में ट्रॉफी इंक्रीज जल्दी नहीं हो रहा है तो ये वाला दूसरा मोड खेलना, फिर अगर इसमें नहीं हो रहा है तो ये वाला मोड खेलना अपने स्क्वाड के साथ। है जितने भी अभी तक मैंने तुम लोग को टिप्स एंड ट्रिक्स बताई है इसको फॉलो करो, मैं गारंटी देता हूँ तुम लोग अगर टॉप 100 के बाहर हो तुम लोग ट्रॉफी इंक्रीज होकर तुम लोग टॉप 100 में आ जाओगे। अगर टॉप 100 में हो तो तुम लोग टॉप 50 में आ जाओगे, टॉप 10 में आ जाओगे। तो कुछ यही बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स थी जिसकी हेल्प से तुम ट्रॉफी को इंक्रीज कर पाओगे। उम्मीद करता हूँ कि तुमको ये वीडियो पसंद आ गई होगी। देखो राइट वाली वीडियो को क्लिक करके तुम लोग देख सकते हो कि डॉगी का स्क्वाड बेटर है या फिर पापी का स्क्वाड बेटर है। वीडियो पसंद है तो एक लाइक करना। जय हिंद दोस्तों।